हमारे सहयोगी अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी जी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के मुख्य ज्ञान अधिकारी श्री राजीव चावला जी, राजस्व परिषद में सचिव मनीषा जी, कृषि सचिव राजशेखर जी, कृषि निदेशक के वाले सम्मानित यहाँ पे जो हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, मंच पे आज के इस टेरा स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आए हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अधिकारी हैं। मैं पहले तो इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि मुझे तुरंत निकलना है, क्योंकि 10:45 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुला ली है जिसमें मुझे भी और देवेश को साथ साथ रहना, नहीं तो मैं पूरा आपके साथ 1.25 घंटा रहता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव चावला साहब जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं और बहुत ही इन्होंने शानदार काम किया है। कर्नाटक में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि किस प्रकार से डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से कृषि में एक नई क्रांति ला सकते हैं, और आप सबको जानकर इस बात की बहुत खुशी होगी कि जिस प्रकार का कार्य इन्होंने कर्नाटक में किया, हम बहुत पीछे थे। उत्तर प्रदेश में तो हमने मैप्स को अपने डिजिटल तो कर लिया था, लेकिन हमारे जो घाटे थे उनका पहचान नहीं था। हम फसली बनाते थे, जो हम खसरा का करते थे, और बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे कर लेते थे, वो अपनी हो। कृषि मंत्रालय भारत सरकार को धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा डिजिटल ऐप बनाया है। उस डिजिटल ऐप के माध्यम से आप फोटो खींचेंगे और चूंकि उसकी अपनी पहचान है, उस प्लॉट के ऊपर एक फसली है, बहु फसली है, क्या फसल है, सारी की सारी जानकारी ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगी और पूरा आकलन करना इतना आसान है। आप सारे लोगों को मैं श्रावण मास का ये पहला शो हुआ है, और आप जानते हो कि श्रावण मास भगवान शिव जो कल्याण कारक है, भगवान शिव को समर्पित ये माह है। और ये तो और भी विशेष है कि ये हमारे 8 सप्ताह का हमारा श्रावण माह है, वो पूरा 8 सप्ताह हम शिव में होंगे और शिव में मतलब कल्याण में होंगे। तो कृषि में एक इतना बड़ा कल्याणकारी कार्य हो रहा है जो हमारे किसान भाइयों के लिए इतना बड़ा, उसके लिए आप सब वाहक हो। ये भगवान शिव का जो कार्य है, आप सभी उसके संवाहक हो। आपका प्रशिक्षण हो रहा है कि आपके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20,000 हमारे लेखपालों का, किसान सहायकों का, या अन्य हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता, उनका प्रशिक्षण होगा 16 से 20 जुलाई के मध्य, और उसे हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो सीधे उसको एड्रेस करेंगे। बाद में जब हम 10 अगस्त के बाद से जब क्रॉप सर्वे प्रारंभ करेंगे, तो आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में ये जहां जहां पे हर प्लॉट के बारे में उस प्रकार जानकारी होगी। और एक बार दोबारा मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि पूरा प्रदेश में एक क्रांति जो है कृषि की, एक नई क्रांति हो, और इसके लिए आप शुरू करने वाले, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। मैं आपसे, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे 10:45 में बैठे कि मुझे भी देवेश को तुरंत भागना है, तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो प्रशिक्षण है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जैसे पायनियर कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए, यू आर द पायनियर्स, आप पहली कदम रखने वाले हो। आप अच्छे से प्रशिक्षित होकर जाएंगे तो पूरे प्रदेश भर के हमारे जो तमाम सारे कार्यकर्ता सारे के सारे प्रशिक्षित होंगे, और उनके प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा हमारे आम किसानों को, उसका प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा पूरे प्रदेश को मिलेगा, लाभ मिलेगा। नहीं तो हम आकलन नहीं कर पाते, सोचते हैं कि हमारी फसल इतनी बढ़ गई, हमारे हॉर्टिकल्चर इतना बढ़ गया, हमारे बागवानी फल इतने सारे बढ़ गए, सब्जियां इतनी बढ़ गई, लेकिन वास्तव में आकलन हमारा सारा गलत आता है, क्योंकि घर बैठे लोग करते हैं। अब ये वास्तविक हमारे पास जब आकलन आएगा, वास्तविक आप सब जब काम करोगे, तो उससे पूरे प्रदेश को कितना लाभ होगा आप उसका आकलन नहीं कर सकते। तो मैं आप सारे लोगों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको भगवान शिव आपका कल्याण करे, और आप जिस काम को लेकर के चल रहे हो उस काम में आप सफल हो, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, प्रदेश हमारा एक विकसित देश का विकसित प्रदेश बनने के लिए पूरी तरह से निरंतर नित्य आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सब उसके कृषि के माध्यम से संभाग बनो। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।